सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको रफ्तार पाजी का आउट एंड ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, वो भी ग्रिड मेथड का यूज़ करके। तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन से ऐप का यूज़ करके आपको ग्रिड बनाना है, मैं उसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पर भी मैं दे दूंगा। आप वहाँ से जा करके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उसके बाद आप वहाँ से जा करके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ जाकर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हो ताकि नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आर्ट से रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करने वाला हूँ ग्रिड मेथड का यूज़ करके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास एवरीगा 200 GSM ड्राइंग शीट पेपर। ये ड्राइंग शीट पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो आपको मैं प्रोडक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। और थोड़ा ये महंगा पड़ेगा आपको, नॉर्मली अगर आप बाहर से खरीदोगे मतलब स्टेशनरी शॉप से खरीदोगे तो आपको 20 से 30 रुपये का पड़ जाएगा और अगर आप ऑफलाइन खरीदते हो तो आपको ये 60 से 70 रुपये में मैक्सिमम आपको या 100 रुपये तक का भी मिल सकता है आपको। तो जैसा कि आपको सही लगे वैसा भी आप कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है आपकी स्टेशनरी शॉप पर कहीं भी तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और अगर आप बल्क में खरीदोगे तो आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा, थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिस तरह से मैं मेजरमेंट करके ग्रिड को ड्रॉ कर रहा हूँ आपको भी इसी तरीके से ग्रिड को जो है ड्रॉ करना है। और ये देखिए हमारा जो ग्रिड है वो बन चुका है, अब हम इस पर आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप बिगिनर हो और आपको नहीं पता है कि आउटलाइन को ग्रिड मेथड से कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि ग्रिड को कैसे बनाना है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा ज़रूर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पूरा आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ग्रिड मेथड सबसे बेस्ट है, मैक्सिमम आपको 20 से 30 दिन जो है इस ग्रिड मेथड का यूज़ करके आपको आउटलाइन को ड्रॉ करना सीखना है। और उसके बाद 20 से 30 दिन के बाद आपको क्या करना है, फ्री हैंड तरीके से आपको आउटलाइन को ड्रॉ करना है। और आउटलाइन बनाते टाइम आप डबल लाइंस का भी यूज़ कर सकते हो। डबल लाइंस मतलब जैसे कि हम लोग बनाते हैं आउटलाइंस तो हम लोग सिर्फ एक ही लाइंस बना देते हैं तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप डबल लाइंस का भी यूज़ करके मतलब पेंसिल को एकदम फ्रीली तरीके से पकड़ करके आप एकदम आराम से उसको डबल लाइन या तीन लाइन में एकदम आराम से उसको शेड, जैसे आप लोग शेड करते हैं ना तो वैसे आप बना सकते हो उसको आप, और कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिड को बनाते टाइम अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाती है कि मतलब ये जैसा आपको उस बॉक्स में बनाना था वैसा नहीं बना है तो आप इरेजर का यूज़ करके एकदम उसको सही कर सकते हो। अब पूरा हिचकिचाइएगा नहीं कि मतलब ख़राब हो गया तो मैं इस पर इरेज नहीं करूँगा, अभी दिक्कत हो जाएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप एकदम शांति से इरेजर को उठाइए और इरेजर को जहाँ पर ख़राब हुआ है वहाँ पर उसको इरेज कर दीजिए, फिर उसके बाद आराम से आप शांति से उसको बना सकते हो।
पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इसको जो है शेडिंग करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।